कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का भी बड़ा बयान सामने आया। रामनिवास रावत टिकट वितरण के चलते पार्टी से नाराज है, ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष ने कहा कि बड़े नेता लगातार रामनिवास रावत से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और रामनिवास की बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी, अटकलें चल रही थी। कद्दावर नेता है जिनका डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब कांग्रेस जुट गई है, उन्हें मनाने के लिए अब कांग्रेस जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या आपकी उनसे चर्चा हुई है और क्या बातचीत हुई है? उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो बहुत साफ सुथरे और कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, उनकी छवि जनता में भी बहुत अच्छी है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या, तो उन्होंने कोई स्पष्ट मुझसे नहीं कहा, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके मन में दुख था। उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमको लगता है कि ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। रोकने की कोशिश की जाएगी या जैसे बाकी नेता जा रहे हैं वैसे उनको भी जाने दिया जाएगा? वरिष्ठ नेता चर्चा कर रहे हैं और सभी नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा है कि टिकट वितरण हुआ है और उससे वो नाराज चल रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रंजना दुबे, बंसली न्यूज़, भोपाल।